मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। ज्ञान और सुंदर शानदार कौन बनेगा? करोड़पति जूनियर। बस 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 अच्छा बस हो गया हो गया। थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कहते हैं कि भविष्य जो है वो दिखाई नहीं देता, उसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है भविष्य का। लेकिन पिछले दो हफ्तों में हमने भविष्य को देखा है। बच्चों के साथ हमने जो केबीसी जूनियर्स खेला है उसने हमें प्रगति की, उन्नति की और बुलंद इरादों की जो झलक है वो हमें दिखने को मिली। मैं बड़े होकर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना चाहती हूँ, जैसे ग्रैंड मास्टर। मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। मेरा बिजनेस आइडिया एक शू कंपनी के लिए है। मैं अभी चाहता हूँ कि मैं अपना फ्यूचर में AI और ML का एक्सपर्ट बनूं। सर मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। इन बच्चों की बातें, इनकी शरारतें याद करके ये मंच हमेशा मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि ज्ञान और जिज्ञासा पर हमेशा गर्व करता है। 25 लाख पॉइंट जीत रहे हैं, तालियां बज जाएं के लिए। 50 लाख से इस बार 1 करोड़। जिस देश के बच्चों की सोच इतनी परिपक्व और सुलझी हुई है, उस देश के भविष्य के साथ साथ वर्तमान भी उज्जवल और स्वर्णीय होना बिल्कुल निश्चित है। बहुत बहुत बधाई। फिलहाल तो मुझे एक मुस्कुराता हुआ वर्तमान दिख रहा है हमारे सामने बैठे रोल ओवर जूनियर प्रतिष्ठा शेट्टी के रूप में। प्रतिष्ठा जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। आपके साथ आपके कंपेनियन के रूप में आपके पिताश्री आए हुए हैं, आपकी माता जी आई हैं। अन्य और आपका और आपकी पत्नी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। ऑल द बेस्ट कुदरे। कुदरे क्या होता है सर? गेस करो क्या हो सकता है कुदरे का मतलब? शायद इनका क्या पेट नेम है? कनाडा में कुदरे का मतलब होता है हॉर्स। घोड़ा। ये इनका पेट क्यों रखा सर ऐसा नाम? कुदरे करते सर देखो। और कत्ते क्या होता है? डोंकी। ये तुलु भाषा में है ना? हाँ, मम्मी तुलु है ना सर। बस धन्यवाद आपका। आज घर पे जाके हम दो शब्द तो बोल सकेंगे। ऐश्वर्या जी को बोलिए, क्योंकि बहुरानी जो है वो तुलु है। या सर, बैंगलोर के। उनको तो ये बोल नहीं सकते। लेकिन बोलेंगे कि आज हम दो टक सीख के आए हैं। ऑलराइट भाई साहब, लेकिन इनको ये मत भेजा, इतने खूबसूरत हैं, इनको क्यों आपने घोड़ा बना दिया? फिर इनका और कोई पटना में क्या? प्रति। प्रति बुलाते हैं। हाँ, ये अच्छा है, वो हमको भी बोलने में थोड़ा लंबा लग रहा था, आधा कार्यक्रम निकल जाता था आपका नाम बोलने में। प्रति। ऑलराइट प्रति, रूल्स तो आपको पता ही है, बार बार हम दोहराएंगे नहीं। तो पहले जो हमारे एक्सपर्ट है उनसे आपका परिचय कर, शायद आपने उनको देखा होगा पहले भी। तो देवेंद्र सर जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, बहुत ही गुणी और ज्ञानी शरद विवेक सागर जी, ये डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर और CEO हैं। और ये सागर जी आ गए, प्रणाम करता हूँ सर। शरद जी एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत होगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वो बहुत अच्छा खेल, और आज आखिरी दिन है खेल का, तो खेल देखने का आनंद कुछ और ही होगा। थैंक यू सर। इनका आशीर्वाद मिलना बहुत आवश्यक होता है, और जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो आप प्रतिष्ठा जी को आप अपना सहयोग दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? देवी और सजनों स्टार्ट किया जाए। प्रतिष्ठा जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आप इसी तरह मुस्कुराते रहें अपने जीवन भर में। थैंक यू सर। पहला प्रश्न, 1000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाश्ता आमतौर पर दूध के साथ मिलाकर खाया जाता है? विच ऑफ दीज ब्रेकफास्ट आइटम्स इज जनरली कंज्यूम्ड बाय मिक्सिंग इट विद मिल्क? ऑप्शंस, ए पराठा, बी बॉइल्ड एग, सी सीरियल, और इज इट डी डोसा? पराठा, उबला हुआ अंडा, सीरियल या डोसा? सर ऑप्शन सी, सीरियल। ऑप्शन सी, सीरियल, ताला मार। हाँ, ताला जब तक नहीं बोलेंगे लगेगा नहीं। ओके सर। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया।
बचपन से लेकर अब तक हम लोग सब वही खा रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स, है कि नहीं? हाँ सर। ऑलराइट, बड़ा भरपूर होता है ये। सर हमारे घर पे तो साउथ इंडियन खाना बनता है, तो ये सब तो नाक का ही सिकोड़ नहीं। अब साउथ इंडियन खाना बहुत बढ़िया होता है, रोज बनता है डोसा इडली सर, खा खा के पक जाती हूँ। खा खा के परेशान हो गए हैं? ऐसा कीजिए, माता जी ने आपको डोसा परोस दिया है, आपको न पसंद आए तो उसको एक थैले में रख के हमारे यहाँ भेज दीजिएगा, हम खाएंगे। ठीक है, प्रतिशा जी आगे चलते हैं खेल में। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर। दिए गए वाक्य में विशेषण को पहचाने, ये लड़की इतिहास की अद्भुत छात्रा है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द गर्ल इज एन एक्सलेंट स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। ऑप्शंस ए गर्ल, बी एक्सलेंट सी स्टूडेंट, बी हिस्ट्री। सर ऑप्शन बी अद्भुत को लॉक कर दीजिए। बी अद्भुत, लड़की ए, बी अद्भुत, सी छात्रा, डी इतिहास। इन्होंने कहा अद्भुत को ताला लगा दिया जाए। yes. बिल्कुल सही उत्तर दिया। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। प्रतीक्षा जी ये है 3000 पॉइंट्स का और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से कौन सी संख्या 6 और 8 दोनों के पहाड़े में आएगी? पहाड़े समझते हैं ना? हाँ, Which of these numbers will appear in the multiplication tables of 6 and 8? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने, ए 12, बी 18, सी 30, डी 24। 12, 18, 30, 24, 6 and 8। ऑप्शन डी 24 को लॉक कर दीजिए। को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब दिया। मेरी भी खोपड़ी बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ नहीं नहीं, 6 4s are 24, 8 3s are 24। चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर। प्रतीक्षा जी ये रहा, फ्री थ्रो, जंप शॉट और स्लैम डंक जैसे शब्दों को आप आमतौर पर किस खेल से जोड़ते हैं? With which sport would you normally associate terms like free throw, jump shot and slam dunk? ऑप्शन सुनिए, ए बास्केटबॉल, बी फुटबॉल, सी फेंसिंग या डी टेनिस। सर ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। लॉक कर दीजिए, ए को ताल लगाने के लिए कह रहे हैं प्रतिष्ठा। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया। ओके, हमारा है पांचवा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स के लिए। प्रतिष्ठा जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा अगला प्रश्न, फिल्म 3 इडियट्स में बमन ईरानी के पात्र का निकनेम क्या है? What is the nickname of Baman Irani's character in 3 Idiots? A. Trojan, B. Worm, C. Virus, D. Bug. Sir, option C, virus को लॉक कर दीजिए। C को ताल लगाने के लिए कह रहे हैं प्रतिष्ठा। सही जवाब दिया। बोला। पहला पड़ाव पार हो गया है, बहुत बहुत बधाई आपको। 3 इडियट्स में बमन ईरानी ने कॉलेज डीन, डीन वीरू सहस्त्रबुद्धे उर्फ वायरस की भूमिका उन्होंने निभाई थी। बहुत ही उमदा फिल्म थी, आपने देखी थी 3 इडियट्स? ब्यूटीफुल फिल्म। ऑलराइट, ओके, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अब चलते हैं आगे। yes, और ये है 6ठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स। और यहां से जैसा कि आप जानते हैं मिलेंगे आपको 60 सेकंड टू गिव द आंसर। 6ठा प्रश्न 20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने से इनमें से कौन सी आपदा आती है? ओके, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स कॉजेज व्हिच ऑफ दीज डिजास्टर्स? ए साइक्लोन, बी हरिकन, सी हीट वेव, डी अर्थक्वेक। चक्रवात, तूफान, लू या भूकंप? सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट, तो उसके वजह से कॉज होता है अर्थक्वेक। सो मैं ऑप्शन डी अर्थक्वेक को अर्थक्वेक के साथ जाना चाहूंगा। okay. उसे लॉक कर दीजिए। डी को ताल लगाने के लिए कह रहे हैं प्रतिष्ठा। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। ऐसा माना जाता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों के पास प्रेशर बढ़ता है
और अधिक हो जाता है तो उन प्लेट्स के साथ फ्रिक्शन के कारण ये जमीन जो है वो हिलने लगती है। ओके, और अब आ गया है समय प्रतिष्ठा जी आपके रिपोर्ट कार्ड देखने का। ऐसा क्यों? अच्छा नहीं है देखना सर। अच्छा है, आइए रिपोर्ट कार्ड डाला जाए इनका। ये आ गया कुदरे कत्ते आ गया है कत्ते। नहीं नहीं हम वो नहीं लेंगे, याद रखेंगे। तो आपको भरतनाट्यम अच्छा लगता है, स्विमिंग, कुकिंग, टू बिकम वन ऑफ द टॉप लॉयर्स, टॉप लॉयर आप बनना चाह रहे हैं। यस सर। ये क्यों चुना आपने? सब डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये कौन संभालेगा लॉ एंड ऑल। एंड सर आई वॉन्ट कि मैं लॉयर बनूँ ताकि एक्सपीरियंस सारे मिले और मैं एक अच्छी जज बनूँ, क्योंकि आप देखोगे कि अभी इंडिया में जितने भी लाइक केसेस अभी भी स्टिल पड़े हुए, लाइक तारीख पर तारीख मिलते जा रही है, तो इतना टाइम नहीं होना चाहिए सर, बहुत डिले होता है। तो आई वॉन्ट कि उस चीज़ में मैं सुधार लाऊँ और अच्छी लॉयर बन के मैं एक अच्छी जज बनूँ। ओके, प्रतीक्षा आगे चलते हैं। अब आएगा सातवां प्रश्न, ये है 40,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? यस। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2023 में किस शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया था? विच सिटीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन जुलाई 2023? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, ए मदुरई, बी कानपुर, सी राजकोट या डी विशाखापट्टनम। मदुरई, कानपुर, राजकोट, विशाखापट्टनम। जुलाई, जुलाई सर सी राजकोट में मुझे लग रहा है, सी राजकोट। मदुरई, ऑप्शन सी राजकोट को ताला लगा। ओके, सोचने के बाद सी कह रही है राजकोट पे ताला लगाया जाए। आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित थी, दिया नहीं आप। प्रतिष्ठा क्या बताएं, आपने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया। आपने बोल दिया है क्या छिलक खिल रही है आप, हमारी समझ नहीं आ रही। वेल प्लेड प्रतिष्ठा जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये गुजरात का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और अन्य तीन हैं अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा। ओके, जन्नत जी इनका रिपोर्ट कार्ड एक बार स्क्रीन पे डाल दिया जाए। ये आ गया है रिपोर्ट कार्ड। डिसलाइक्स 9? सर नंबर 9 नहीं, बट हमारी एक बिल्ली है जिसका नाम हमने 9 रखा है। सर डिसलाइक तो नहीं है, मतलब द थिंग इज दैट सर मम्मी पापा, मतलब अब जब से वो आई है ना, अभी फरवरी में आई थी, तो जब से आई है उसका जो खाने का जो स्टॉक होता है ना उसका ज्यादा कर दिया और मेरा लाइक कम कर दिया। बहुत ज़्यादा ही प्यार हो गया है मुझसे, ज़्यादा। मैं 15 साल से हूँ घर पे, उतना प्यार तो मेरे को कभी नहीं मिला है जितना उसको मिल रहा है सर। नहीं सर, वो बेजुबान है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा ना सर। हाँ, अरे देखिए कितने अच्छे ये बोल सकती है, वो नहीं बोल सकती है। हाँ, वो बेजुबान है। सर, मैं 15 साल से हूँ घर पे। थोड़ा बहुत जो उनकी तरफ से भी इनको भी दे दीजिए। इनमें से किस जानवर का प्राकृतिक आवास मेडागास्कर द्वीप है? विच ऑफ दीज एनिमल्स इज फाउंड इन द वाइल्ड ऑन द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, ए लीमा, बी जैगुआर, सी प्यूमा और इज इट डी कोयोटे। जैगुआर तो नहीं लग रहा, प्यूमा भी नहीं लग रहा, ए बहुत लग रहा है बिकॉज
मैडागास्कर आइलैंड है ना, कयोते तो नहीं आता, आइलैंड में नहीं रहते। जगुआर ऑप्शन ए लग रहा है, सर ऑप्शन ए को क्या करें? ऑप्शन ए को, हाँ ओके, ताला मारते हैं। सोच समझ के कह रहे हैं ए लीमा, ए ताला लगाया जाए। Well played is the right answer. लीमा बड़ी बड़ी आंखों के लिए वो जाने जाते हैं और मैडागास्कर में ही हैं। वेल डन प्रतिष्ठा, वेल डन, गुड आंसर, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स का। रेडी? यस सर। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ग्रह का एक दिन उसके एक साल से लंबा होता है? A day on which planet is longer than its year? Right? ऑप्शन देखिए, ए मर्क्यूरी, बी वीनस, सी मार्स या डी जुपिटर। बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। कहीं पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो, सब प्लैनेट के बारे में मुझे। सर मैं लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, शांत हो जाइए बाधुमती जी, लाइफलाइन लेंगे प्रतिष्ठा जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस, जरा कठिन प्रश्न है, बचाइए प्रतिष्ठा को। और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 47%, ए को मिला है 12, सी को मिला है 12, डी को 29। क्या कीजिएगा सर? ऑडियंस के साथ, ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑप्शन बी, अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी वीनस, बताइए क्या करें? सर ताला मार दीजिए। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वेल डन ऑडियंस, इज द राइट आंसर। वो क्या बात, क्या बात है। सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने का समय एक साल कहते हैं। जब सूर्य का एक चक्कर, एक ऑर्बिट, अपनी एक्सेस पर एक पूरा रोटेशन करने को एक दिन कहते हैं। वीनस का एक दिन 243 अर्थ डेज के बराबर होता है, जो कि उसके एक साल से भी लंबा है, क्योंकि वीनस के एक साल की अवधि जो है वो 225 अर्थ डेज होती है। अजीब। आ गया है दसवां प्रश्न, एक लाइफलाइन चली गई है, कोई बात नहीं। अब जो है इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है दोबारा नहीं मिलेगा आपको। दसवां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आ गया है प्रश्न, इनमें से किस टीम ने पुरुष और महिला दोनों फीफा विश्व कप जीता है? Which of these teams has won both the men's as well as the women's FIFA World Cup? Options are A, England, B, Italy, C, France, D, Germany. England, Italy, France, Germany. Sir, so football mein zyada dekhti nahi hoon, koi idea nahi hai football ka. Okay. तो नहीं जीती थी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था मेंस का, उसमें अर्जेंटीना जीती थी। सो आई विल गो विद लाइफलाइन। लाइफलाइन कौन? आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। ऑलराइट, आस्क द एक्सपर्ट, लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और शरद जी आपकी बारी आ गई है, फोन लगाने का प्रयत्न किया जाएगा, शरद जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। थैंक यू शरद जी, प्रणाम करता हूं एक बार फिर आपको।
और मान्यवर एक प्रश्न आ गया है प्रतिष्ठा जी के खेल के जीवन में, जिसका उत्तर वो आपसे मांग रहे हैं। अगली आवाज है प्रतिष्ठा जी की। बताएंगे प्रतिष्ठा जी, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these teams has won both the men's as well as the women's FIFA World Cup? Dono, men and women, both FIFA World Cup. A, England. B, Italy. C, France. D, Germany. Thank you, Pratishta. In char options mein, Germany is the team jisne dono men's and women's dono FIFA World Cup jeeta hai. ऑप्शंस के बाहर स्पेन इज ऑल्सो अनदर टीम जिसने ऐसा किया हुआ है, पर पहली टीम दुनिया में जर्मनी ऐसी थी जिसने मेंस विमेंस दोनों में अपनी प्रतिष्ठा बनाई, तो आप डी जर्मनी के साथ जाएं। ओके सर, आई विल गो विद द एक्सपर्ट, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। बोलिए क्या करें सर? ऑप्शन डी जर्मनी को ताला लगा। डी जर्मनी पे ताला लगाया जाए। दिस इज द राइट आंसर, वेल डन। धन्यवाद दीजिए आप। थैंक यू सो मच सर। प्रतिष्ठा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 पॉइंट्स हो गए हैं और ये देखिए चेक आपके नाम आ गया है, उसको हमने पहले ही साइन कर दिया था। सर सर, एक रिक्वेस्ट। हाँ जी सर। मेरा नाम है ना, वो आपके डायलॉग में आता है मोहब्बतें पिक्चर का, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये आप एक बार डायलॉग बोले सर, तीन वर्ड सर। अच्छा, अगर आपको याद है तो बोलिए सर। परंपरा, परंपरा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, अनुशासन, ये तीन स्तंभ हैं गुरुकुल के। गुरुकुल के, हाँ आपको मालूम है। और ये आ गया है सुपर संदूक का समय। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 10 प्रश्न आएंगे आपके सामने धड़ाधड़ करके, और अब बताइए कि आपको हिंदी में पढ़ के सुनाओ या अंग्रेजी में? अंग्रेजी, अंग्रेजी में। ओके, ऑलराइट देवी और सन्नो, सुपर संदूक का समय आ गया है, प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। प्रतिष्ठा जी तैयार हो जाइए, आपके 90 सेकेंड शुरू होते हैं अब। A, a sundae is what type of food? Burger, ice cream, paratha? Ice cream. Correct. Next. Which of these is not a compound? Ammonia, water, salt, cadmium? Ammonia. Wrong. In which of these numbers is the units digit larger than the tens digit? 12, 43, 76? Pass. Next. A puffin and a toucan are types of which of these? Sharks, wolves, snakes, birds? Snakes. Wrong. Dholadhar Wildlife Sanctuary is located in which state? Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra. Pass. Next. Which of these leaders did not live in the 20th century? Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Otto von Bismarck, Winston Churchill. Otto von Bismarck. Correct. Next. What are HDMI and LAN types of? Cables, shoes, hats, chairs. Cables. Correct. Next. Burundi and Gabon are countries of which continent? South America? North America. Wrong. Next. Which of these can legally take place on a no ball? Caught out, run out, LBW, bowl. Pass. Next. Where is the National Museum of India situated? Mumbai, Kolkata, New Delhi? Kolkata. Wrong. Next. In which of these numbers is the units digit larger than the tens digit? 12, 43, 76, 90. Pass. Next. Maharashtra. No, wrong. Which of these can legally take place run on out. A no ball? अरे भाई साहब क्या बताएं, देवी जी आपने केवल 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 30,000 पॉइंट्स आप जीती हैं। हम सोच रहे थे कि अगर 5 हो जाते ना तो अपनी लाइफ लाइन आप जिंदा कर सकती थी। अब जहां जहां आप गलत हुई वो बता दें आपको। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉम्पाउंड, इट्स कैडमियम। एक और था रॉन्ग हुआ, वो था ए पफिन एंड अ टूकन आर टाइप्स ऑफ विच ऑफ दीज, दे आर बर्ड्स। टूकन याद होगा आपको। धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is located in which state? It's in Himachal Pradesh, not in Maharashtra. Himachal Pradesh. Ek aur jagah galat ho gaya. Wo tha, Burundi and Gabon are countries on which continent? It is Africa. Next, ek aur galat hua tha. Where is the National Museum of India? It's in Delhi. Aur next tha, jo aapne pass kiya tha,
In which of these numbers is the units digit larger than the tens digit? बहुत ही आसान था, 12. सर वो जल्दी जल्दी हो रहा. ठीक है. एक और पास किया था आपने. Which of these can legally take place on a no ball? It's run out. Run out में. Run out. भूल गया. कोई बात नहीं. वो जल्दी जल्दी आता है ना तो तेरा दिमाग घबरा जाता है. कोई बात नहीं. ओके. क्योंकि ये 5 से कम है तो आप अपनी लाइफ लाइन जीवित नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये 30,000 आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे हम. ताली बज जाए इनके लिए. ये देखिए आपका नाम आ गया, प्रतिष्ठा शेट्टी, अकाउंट नंबर आ गया, कंफर्म नाउ दबाएंगे, 30,000 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये गया आपके बैंक अकाउंट में 30,000. ओके अब चलते हैं आगे. अब आपके सामने केवल एक लाइफ लाइन बची है. आ गया है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है. सबको कहते हैं खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगे नहीं आप. 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर. ये रहा इनमें से किसे अंग्रेजी वर्णमाला का 27वां अक्षर माना जाता था. विच ऑफ दीज यूज टू बी कंसिडर्ड द 27th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. ओके ऑप्शन सुनिए. ए एट, बी एंड, सी हैश, डी डॉलर. हैशटैग सी और डी नहीं लग रहा है सर, ए और बी में मेरे को लग रहा है, ए लग रहा है सर. बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है ए, क्योंकि हम लोग जब यूजर नेम डालते हैं तब ए आता है. सही उत्तर देंगे आपको 6:40, गलत आपको वहीं रखेंगे 3:20 में. एक लाइफ लाइन अभी भी बाकी आपके पास, अगर आप चाहें तो इसको बदल सकती हैं प्रश्न. सर मैं लाइफ लाइन. लाइफ लाइन लेंगी. हाँ. ओके. तीसरी और आखिरी लाइफ लाइन है ज्ञानास्त्र. इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. अब आपको बताया जाएगा कि ये प्रश्न जो है ये बदल दिया जाएगा, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा. किसी एक को गेस कीजिए प्रतिष्ठा. सर ए. ए ए एट, इसको ताला लगाया जाए. अरे अच्छा वो नहीं खेलेंगे, गलत होता. सही उत्तर है बी एंड. ये एम्बरजैंड है. एम्बरजैंड को 19वीं सदी तक अंग्रेजी वर्णमाला का 27वां अक्षर माना जाता था. इसका उच्चारण था एंड पर से एंड, ऐसे लिखा जाता था. तब से वो बना एंड और इसे बच्चों को भी पढ़ाया जाता था. ऑलराइट अब इसको बदल देंगे और आपके सामने एक नया प्रश्न आएगा, और जिसके लिए आपने कहा था कि विषय होना चाहिए माइथोलॉजी. ओके ये प्रश्न हटाने के लिए आपको वो मंत्र बोलना पड़ेगा. अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम. प्रश्न को पलट दिया जाए कंप्यूटर में. आज प्रतिष्ठा जी माइथोलॉजी के आधार पर यह अगला प्रश्न आ गया है. इनमें से किसका मूल नाम प्रिथा था. प्रिथा. Who among these was originally named प्रिथा. ओके ऑप्शन सुनिए. ए द्रौपदी, बी देवी सीता, सी कुंती या डी देवी लक्ष्मी. देवी सीता तो नहीं, जानकी बोलते थे उनको. द्रौपदी भी नहीं, द्रौपदी को द्रुपद कन्या कहते थे. खेलिएगा जरूर क्योंकि लिस्ट रिस्क पे हैं. कुंती लग रहा है सर. देवी लक्ष्मी कहीं नहीं सुना है. देवी लक्ष्मी कुंती. सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी कुंती. बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ओके लगा दें ताला. कहना पड़ेगा आपको. हाँ सर ताला लगा. सी कुंती पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए. क्या सोच रही थी आप. सर प्रीथा मैंने सुना, ऐसा लग रहा है कुंती के लिए, क्योंकि देवी सीता तो नहीं, द्रौपदी भी नहीं लग रहा था. देवी लक्ष्मी का मेरे को आइडिया नहीं है, बट कुंती लग रहा था मेरे को. आइडिया नहीं था आपको देवी लक्ष्मी का. अगर आइडिया होता तो आज आप हार जाते. ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. वेल प्लेड, वेल प्लेड.
Great prediction. Well done, well done. Kunti is the right answer. 6,40,000 points आपने जीत लिए. ज्ञानास लाइफलाइन का बहुत ही असरदार उपयोग किया, इस्तेमाल किया इन्होंने. राजा कुंती भोज द्वारा गोद लिए जाने के बाद प्रीता को कुंती के नाम से जाना जाने लगा, और यही कारण है कि अर्जुन का एक नाम पार्थ भी था, प्रीता का पुत्र पार्थ. कृष्णा जी बुलाते थे पार्थ. हाँ जी. अब आ गया है 12वां प्रश्न. मूल्य है इसका 12,50,000 पॉइंट्स. कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास प्रतिष्ठा, बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा. न मालूम हो उत्तर तो गेस वर्क या लग रहा है, ये सब नहीं चलेगा. यस. क्विट कर जाइए, 6:40 है आपकी जेब में, लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं. 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. किस देश का दक्षिणी भाग ऐतिहासिक रूप से कोचीन चीन के नाम से जाना जाता था? द सदर्न पार्ट ऑफ विच कंट्री वॉज हिस्टोरिकली नोन एज कोचीन चाइना. ऑलराइट, ऑप्शन देखिए. ए वियतनाम, बी श्रीलंका, सी लेओस, डी थाईलैंड. जो श्रीलंका तो नहीं लग रहा है, कोचीन चाइना, वियतनाम, लाओस. लाओस मैंने कभी सुना नहीं है. वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका सुना, ये सारे एशिया में हैं. सर आई हैव नो आइडिया. सर कोई आइडिया नहीं है. 6:40 आप जीत रहे हैं. अगर आगे न खेलना चाहें, कोई आइडिया नहीं, तो मैं तो हमेशा यही राय देता हूं कि आप क्विट कर सकते हैं. सर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी. आई वांट देम टू प्ले. ओके, सो आई विल क्विट. यू क्विट. ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करना चाहें. तालियां बज जाएं के लिए. 6,40,000 पॉइंट्स डिजिटल ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में. आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे. 6:40, 1, 2, 3, 4 ओके किया, कंफर्म किया, और ये गया आपके बैंक अकाउंट में 6,40,000 पॉइंट्स, जो 18 वर्ष की उम्र में 3 साल के बाद रिटायर हो जाए. ओके, ऑलराइट, वेल डन. ऑलराइट प्रतिष्ठा, किसी एक को गेस कीजिए, आंसर बताना होगा हमें. सर आई विल गो विद ए वियतनाम. ए वियतनाम पे ताल लगा जाए. इट्स द राइट आंसर इफ यू प्लेड. ओह माय गॉड. ओके, ऑलराइट. अब आपके लिए एक हमारी ओर से एक सर्टिफिकेट हम आपको देना चाहेंगे. प्रतिष्ठा जी, कैन वी हैव द सर्टिफिकेट प्लीज. आइए, तालियां बज जाएं के लिए. जूनियर्स के रूप में हमारे साथ भाग लेने के लिए यह आपके लिए एक सर्टिफिकेट है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रतिष्ठा जी को. आ गया है एक और समय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का. तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स. रेडी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इन जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास के अनुसार सबसे उत्तर से सबसे दक्षिण के क्रम में लगाएं. अरेंज दीज एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल हैबिटेट फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट टू द सदर्न मोस्ट. ओके, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने. ए कोआला, बी ध्रुवीय भालू यानी पोलर बेयर, सी विशाल पांडा जायंट पांडा, डी एम्परर पेंगुइन. समय समाप्त. आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए. सबसे पहले आता है बी ध्रुवीय भालू पोलर बेयर जो आर्कटिक में होता है, फिर आता है सी विशाल पांडा द जायंट पांडा जो चाइना में मिलता है आपको, फिर आता है ए कोआला जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, और अंत में है डी एम्परर पेंगुइन एंटार्क्टिका से. यह है सही उत्तर, बी सी ए डी. बी सी ए डी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है यह है उनके नाम.
राठी मलिक, सोनाक्षी पटनायक। Come, Sunakshi. Stop crying. Well done. Only girl who played well. हमारी ड्यूटी शुरू हो गई है। अच्छा इधर देखिए, एक दो तीन। पहुंच लिया, ये थोड़ा सा बचा इधर वाली आंख में, हो गया। थैंक यू। नहीं नहीं, हाथ नहीं, वो हाथ मिला रहे हैं हमसे। अभी छोड़ जाइए, आपकी सांस जो है थोड़ी चढ़ रही है, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। देखें, हाँ ठीक है। बिग हैंड। सोनाक्षी जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और ये जब आप लोग आंसू बहाते हैं ना, हमको बहुत दुख होता है, ऐसा मत किया कीजिए। हम जानते हैं कि ये खुशी के आंसू हैं, लेकिन अब आप आ गए हैं हॉट सीट के ऊपर। सर मेरा 4 साल का सपना, सर मैं हमेशा ट्राई कर रही हूँ 4 साल से, आखिरकार। हाँ हो गया, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए हो गया। ऑलराइट, सोनाक्षी पटनायक जी हमारे सामने आ गए हैं। ये 7वीं कक्षा में पढ़ रही हैं, ये हैं बेंगलुरु से और कर्नाटक से, और बहुत बहुत बधाई इनको। और कंपेनियन के रूप में आपकी माता जी आए हैं, पिताश्री आए हुए हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका स्वागत होगा। ओके सोनाक्षी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और रूल्स हम नहीं समझाएंगे, वो तो आपको पता है। ओके सोनाक्षी जी और दिव्या सन्नो, लेट्स प्ले सॉन्ग बनेगा करोड़पति। माता पिता का आशीर्वाद है आपके पास। यस सर। और सोनाक्षी तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आएगा आपके सामने 1000 पॉइंट्स के लिए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आपको इनमें से किस स्थान पर पेस्ट्री मिलने की सबसे अधिक संभावना है? यू आर मोस्ट लाइकली टू फाइंड अ पेस्ट्री इन विच ऑफ दीज प्लेसेस? ए हॉस्पिटल, बी बेकरी, सी जू, डी म्यूजियम, अस्पताल, बेकरी, चिड़ियाघर या संग्रहालय? सर प्लीज लॉक बी बेकरी। बी बेकरी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है आपका। दूसरा प्रश्न 2005। रेडी सोनाक्षी, ये रहा आपके सामने, बेंगलुरु में एक प्रचलित वनस्पति उद्यान का नाम कौन सा रंग पूरा करेगा? डैश बाग। व्हाट कलर विल कंप्लीट दिस नेम ऑफ अ हिस्टोरिकल बोटैनिकल गार्डन इन बेंगलुरु? डैश बाग। ए हरी, बी नील, सी लाल या डी सफेद? सर सी लाल को ताला लगाया जाए। सी लाल को ताला लगाया जाए, सही जवाब दिया है, लाल बाग। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, 3000 पॉइंट्स। रेडी, तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से किसने भारत की ओर से बैडमिंटन नहीं खेला है? Who among these has not represented India in badminton? Okay? Option सुनिए, A महेश भूपति, B पीवी सिंधु, C साइना नेहवाल, D किदांबी श्रीकांत। पता नहीं खेल वेल देखती कि नहीं आप? सर तो देखती तो हूँ, मुझे महेश भूपति और किदांबी श्रीकांत थोड़ा लग रहा है। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ऑडियंस पोल बड़ी जल्दी। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय ने अंकित कर दिया इसको, और ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। महेश भूपति सबसे ज्यादा प्रतिशत, क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ओके, बताइए क्या करें? सर लॉक किया जाए, ए महेश भूपति। ए को लॉक किया जाए, महेश भूपति पे।
बिल्कुल सही उत्तर दिया। महेश भूपति जो है वो टेनिस खेलते हैं। अच्छा ओके सर। देश को उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो टेनिस खिलाड़ी। ओके आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। ये है 5000 पॉइंट्स का। रेडी सोनाक्षी जी? यस। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा साहित्यिक पात्र एक सफेद खरगोश का पीछा करते हुए वंडरलैंड गया था? विच लिटररी कैरेक्टर फॉलोड अ व्हाइट रैबिट टू वंडरलैंड? ऑप्शन सुनिए। ए टॉम सॉयर, बी पीटर पैन, सी पिनोक्यो या डी एलिस? सर डी एलिस को ताला लगाया जाए। डी पे ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही जवाब। Alice's Adventures in Wonderland पुस्तक की कहानी में है। Yes, sir. सही जवाब। आ गया है पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स। बहुत जोर से सांस लिया आपने, माइक ने पकड़ लिया। ऑलराइट सोनाक्षी, अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। यदि एक रेक्टेंगल की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना होगा? इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर्स एंड द ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स? ओके ऑप्शन देखिए। ए 15, बी 20, सी 16 या डी 25? सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी 20। बी 20 पे ताला लगा दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब। सोनाक्षी जी, पहला पड़ाव पार हो गया है। 45 सेकंड आपको मिल रहे थे, अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड। ओके, एक लाइफलाइन आपकी चली गई। अब आएगा छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए। छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक हम आपको चित्र दिखाएंगे, इमेज प्रश्न है ये। ये पुस्तक किसने लिखी है? Okay. Who is the author of this book? This book. देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, मुस्कुराते हुए, हम भी मुस्कुराते हुए आपको ऑप्शन देंगे। ए इनेट ब्लाइटन, बी साशा ओबामा, सी एन फ्रैंक, डी मलाला यूसुफजई। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी एन फ्रैंक। सी एन फ्रैंक पे ताला लगाया जाए, इज द राइट आंसर। वेल डन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक पुस्तक। यस सर। बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर एन फ्रैंक का। ये एक ज्यूइश टीनेजर थी जिसने नीदरलैंड्स पर, जब जर्मन कब्जा कर रहे थे, जो नाजी जर्मनी थी के दौरान, अपने परिवार के 2 वर्षों तक वो एक एटिक में पूरे परिवार के साथ छुपी हुई थी और वहाँ पर उन्होंने अपनी कहानी लिखी थी। Yes. ये जो पुस्तक थी ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जा करके उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। Yes, अपनी जीवनी बनाई है उन्होंने। ओके ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए उनका अनेक अनेक हम आभार प्रकट करते हैं। ओके अब सोनाक्षी जी, समय आ गया आपके रिपोर्ट कार्ड देखने का, और जितने भी बच्चे आते हैं वो जरा सा घबरा जाते हैं, लेकिन उसमें घबराने की क्या बात है। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड पी? ये देखिए, ऑल्सो नोन एज टीचर्स पेट। ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना, टीचर्स पेट है कि नहीं? लाइक्स फूड, रेसिटेशंस एंड हैरी पॉटर रेसिटेशंस। ओके सर, पोएम रेसिटेशन। एंड डिसलाइक शेयरिंग अ रूम विद एनीवन, ये हम समझ सकते हैं। गोल्ड मेडल इन ओलंपियड, मैथ साइंस सोशल साइंस फर्स्ट प्राइज इन रेसिटेशन कॉम्पिटिशन, वाह। यस सर। और सुपर पावर, पेरेंट्स रिमार्क, मैडम को खाने के आगे कुछ और दिखता ही नहीं है। अच्छा मतलब क्या हुआ, खाना जब आता है तो और कुछ नहीं नजर आता इनको? सर ये पार्टी में जब जाती है हम दोनों को छोड़ के खाना ही खाना। वो खाना पूरा भरा प्लेट लेके एक साइड में बैठ जाती है और किसी को नहीं देखती है, अपना खाना और ओ। मैं आके थोड़ी बोलती हूँ, थोड़ा तो शर्म करो। नहीं, खाने में क्या शर्माना।
तो मैं हूँ साना और मुझे ओनली खाना। सुबह 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 ब्रेकफास्ट इतना दबा के खाई है, मैं बोला तुमको सर के सामने बैठना है और वो सब खाना खा के दकार बोल लेती है। बहुत से बच्चे होते हैं ना, बहुत ज्यादा ले लेते हैं, मैं पूरा खा नहीं पाता। छोड़ते नहीं लेकिन खाना है बहुत। उस बीमारी का नाम है EBTS, उसको बोलते हैं EBTS, समझते हैं ना, आईज बिगर देन स्टमक। एक और होता है FHB, यानी खाना बनाया आपने और मेहमान आए हैं और खाते खाते लगा कि मेहमान सब खाना खा जाएंगे और कम पड़ जाएगा खाना, तो फैमिली होल्ड बैक है ना। और सुनाशी जी, चलिए खाने पीने की बात हो गई, अब आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न आ रहा है। Yes, sir. इसके लिए मिलेंगे 40,000 पॉइंट, एक लाइफलाइन चली गई, घबराइए मत। सातवां प्रश्न, 40,000 पॉइंट ये रहा आपके सामने। कौन सा अंग्रेजी शब्द दुनिया के उस भाग को दर्शाता है जहां जीवन मौजूद? वर्ड इज यूज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड In which life? Okay, A. Sir, please lock option D, biosphere. Sure है? Yes, sir. लगा दें ताला? Yes, sir. सुनाक्षी कह रहे हैं D पे ताला लगाया जाए। अरे, right answer, well done. Right, very good, right answer. Wow. ये जो है ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच एक बहुत ही पतली नैरो जोन होता है ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ पर बोलते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट्स। यस सर। वाह, इतना ज्ञान है आपको, तो हमको नहीं मालूम था इसके बारे में। ऑलराइट, आगे चलते हैं, आठवां प्रश्न आ गया है और मिलेंगे इसके लिए 80,000 पॉइंट। आठवां प्रश्न ये रहा आपके सामने सोनाक्षी। NISAR, इसरो और किस अन्य इकाई के बीच एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है? NISAR, NISAR कहते हैं, इज अ प्लान्ड जॉइंट स्पेस मिशन बाय इसरो एंड विच अदर एंटिटी? ओके, ऑप्शन सुनिए, ए इंडियन एयरफोर्स, बी नासा, सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या डी UNO? सर, इसके भारतीय वायुसेना, बी नासा, सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, या डी संयुक्त राष्ट्र संघ? सर, ये इंडियन एयरफोर्स और UNO तो नहीं होगा, क्योंकि इसरो को उनसे कोई लेना देना नहीं है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी में लग रहा है मुझे। सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी नासा। श्योर, सोच लिया आपने? यस सर। सोनाक्षी कह रहे हैं बी नासा पे ताला लगा जाए। दो में सोच रही थी आप? यस सर। दूसरा था यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सर, मैंने पढ़ा था कहीं इसे, मतलब बस स्पेस मिशंस को स्क्रॉल कर ही रही थी तो निसार एक आया था, तो एन से मुझे लगा कि नासा हो सकता है, कहीं पढ़ा हुआ लग रहा था। सही जवाब दिया है आपने, वेल प्लेड सुनाक्षी, वंडरफुल आंसर, वंडरफुल। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडर, NISAR, ये मिशन है पृथ्वी के बदलते इकोसिस्टम्स को ये मापता है, मेजर करता है। ऑलराइट, ओके सर। सुनाक्षी जी, आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स का। नवा प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में इनमें से किसका विवाह राजा दशरथ के एक पुत्र से नहीं हुआ था? इन द रामायण, हु अमंग दीज वॉज नॉट मैरिड टू वन ऑफ द सन्स ऑफ किंग दशरथ?
ए ऑप्शंस, उर्मिला बी देवी सीता, सी उत्तरा या डी मांडवी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी उत्तरा। पट करके जवाब दिया आपने, क्या करें? लॉक किया जाए। सी उत्तरा पे ताला लगाया जाए। अरे वेल प्लेड इज द राइट आंसर। टू गुड सुनाक्षी। उत्तरा महाभारत में अभिमन्यु की पत्नी थी, yes, है ना? उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी और मांडवी जो थे वो भरत की पत्नी थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको सोनाक्षी। थैंक यू सर। बड़ी जल्दी आप पहुंच गई हैं 10वें प्रश्न पर, 3,20,000 पॉइंट्स। और जैसा कि हम चेतावनी देते हैं कि बहुत ही सोच समझ कर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो अवसर है, ये मौका है, ये दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। दो लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपके पास। 10वां प्रश्न आ रहा है, 3,20,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस खेल का नाम इंग्लैंड में एक स्कूल के नाम पर रखा गया है? Which of these sports is named after a school in England? Okay. Option सुनिए। A. Rugby. B. Golf. C. Tennis. D. Hockey. सर मुझे रग्बी लग रहा है। रग्बी और गोल्फ में से ज्यादा सही उत्तर देंगे आपको 3:20। दो लाइफलाइन है आपके पास, ज्ञानास्त अस्ति एक्सपर्ट, 20 सेकंड बचे हैं, क्या करना चाहिए? सर अस्ति एक्सपर्ट। अस्ति एक्सपर्ट, शांत हो जाइए भादुमति जी, 12 सेकंड बचे हैं आपके। अस्ति एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और शरद जी आपकी बारी आ गई, जल्दी से शरद बाबू जी को ये वीडियो कॉल लगाया जाए। धन्यवाद। शरद जी प्रणाम करता हूं, एक बार फिर आपकी बारी आ गई है। अगली आवाज होगी सोनाक्षी जी की, बाकी प्रक्रिया तो आपको पता है, ठीक है? सोनाक्षी जी आपका समय शुरू होता है अब। Which of these sports is named after a school in England? Which of these sports is named after a school in England? Options: rugby, golf, tennis, hockey. Sonakshi, football ke khel ke beech mein England ke ek high school mein ball ko haath mein utha liya gaya, और आप रग्बी का खेल देखेंगी तो वैसे ही खेला जाता है। रग्बी इंग्लैंड में एक स्कूल के नाम पर आता है और फुटबॉल से उत्पन्न हुआ खेल है, तो आप रग्बी के साथ जाएं, ऑप्शन ए। थैंक यू सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। रग्बी पे कह रहे हैं शरद जी की, ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। धन्यवाद। बहुत जबरदस्त जानकारी है शरद बाबू जी। माना जाता है कि रग्बी स्कूल के एक स्टूडेंट विलियम वेब एलिस एक बार फुटबॉल के खेल के दौरान फुटबॉल लेकर भागे, अब भागे और इस प्रकार रग्बी खेल की उत्पत्ति हुई। सर मुझे लग रहा था रग्बी होगा। हाँ, पर डाउट तो आज रग्बी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम उन्हीं के नाम पर है। ऑलराइट, चेक आना चाहिए आपके नाम और वो है 3,20,000। थैंक यू सर। जितनी जानकारी इसके बारे में आपको पता है, ये है सुपर संदूक और हम आपके साथ खेलेंगे सुपर संदूक। अंग्रेजी में या हिंदी में? सर अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ओके। चलिए सुपर संदूक खेलते हैं, प्रारंभ किया जाए कंप्यूटर महाशय सुपर संदूक। तैयार हो जाइए सोनाक्षी जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Which of these snacks comes in salted and caramel flavors? A. Popcorn. B. Kachori. Pizza. Peda. Sir, A. Popcorn. Correct. Next. Which of these kings ruled over parts of India? Charlemagne, Jahangir, Ramesses, Montezuma. Sir, B. Jahangir. Correct. Next.
Who among these can be given a red or yellow card in his sport? A. Prithvi Shaw, B. Tiger Woods, C. Harry Kane, D. Ben Stokes. Sir, C. Harry Kane. Correct. Next. Which language is the poet Vidyapati associated with? Malayalam, Maithili, Manipuri, Marathi? Sir, B. Maithili. Correct. Next. What is Christopher Nolan famous for? Politician, singer, chef, director? Sir, D. Director. Correct. Next. Which of these was not a princely state? Madras, Hyderabad, Baroda, Patiala? Sir, A. Madras. Correct. Next. Srimati Draupadi Murmu has not served in which of these posts? MLA, Governor, President, Chief Minister? Sir, D. Chief Minister. Correct. Next. Which of these was co-discovered by a woman? X-ray, radium, insulin, atoms? Sir, B. Radium. Correct. Next. The Schönbrunn Palace is located in which city? London, Pretoria, Vienna, Beijing? Sir, please look B. Pretoria. Wrong. Next. Which of these cricketers never played in a World Cup? Anil Kumble, Dinesh Mongia, Sunil Gavaskar, VVS Lakshman? Sir, B. Dinesh Mongia. Wrong. 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया बहुत सुंदर तरीके से खेले आप थैंक यू सर 80,000 पॉइंट जीत गए आप अगर सोनाक्षी जहां आप गलत हो गए तो वो बता दें आपको द Schönbrunn पैलेस इज लोकेटेड इन विच सिटी आपने कहा प्रिटोरिया नो इट्स इन वियना ओके एक और गलत हो गया था वो आपका वो था ये विच ऑफ दीज क्रिकेटर्स नेवर प्लेड इन अ वर्ल्ड कप आपने कहा दिनेश नो वीवीएस लक्ष्मण नेवर प्लेड इन अ वर्ल्ड कप All right, 80,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं जो कि 50 से ज्यादा है तो आप अपनी कोई भी लाइफलाइन जीवित कर सकती हैं या इसको बैंक में जमा करवा सकती हैं सर मैं आस्क द एक्सपर्ट को जीवित करना लाइफलाइन जीवित करवाएंगे ओके आस्क द एक्सपर्ट वीडियो कॉलिंग एक्सपर्ट इसको जीवित कर दिया जाए लाइफलाइन जीवित हो गई ये आ गया है लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न खेलिएगा जरूर क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं समय समय आपके पास पादुमती जी शांत हो गई हैं टिक टिक बंद हो जाएगी दो लाइफलाइन अभी भी बची हुई यस सर ज्ञानास्त और आस्ती एक्सपर्ट एक बार फिर से 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार सबसे अधिक टाइम जोन किस देश के अधिकार वाले क्षेत्र में है According to Guinness World Records, which country has the most number of time zones within its territory? Okay. A. USA. B. France. C. Russia. D. United Kingdom. Sir, jitna ki mujhe pata hai. A. Sanyukt Raj America. B. France. C. Rus. Ya D. United Kingdom. बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा प्रत्येक प्रश्न आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है लेकिन ये मुश्किल होते हैं इसीलिए समय की कोई पाबंदी नहीं है लाइफलाइंस हैं आपके पास जरा सा भी आपके मन में संदेह हो तो आप उन लाइफलाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं सर जितना कि मुझे पता है रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं यूएसए में आई थिंक 5 है जितना कि मुझे पता है यूनाइटेड किंगडम बहुत छोटा कंट्री है पर उससे सबसे मेन मेरिडियन गया है सर मुझे रशिया लग रहा है सर मैं आस्क द एक्सपर्ट लेना चाहूंगी आस्क द एक्सपर्ट ऑलराइट इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और एक बार फिर समय आ गया है शरद जी को फोन लगाने का वीडियो कॉल लगाया जाए शरद सागर जी को शरद जी एक बार फिर बारी आ गई आपकी जैसे कि आप जानते होंगे सोनाक्षी जी प्रश्न पूछेंगे सोनाक्षी आपका समय शुरू होता है अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स व्हिच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स विद इन इट्स टेरिटरी अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स Which country has the most number of time zones within its territory? USA, France, Russia, United Kingdom. USA, France, Russia, United Kingdom. बिल्कुल
इसमें विद इन इट्स टेरिटरी में मुझे लगता है सर ने जब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने या सुनने बोला तो विद इन इट्स टेरिटरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. आपने सही बोला रशिया के पास 11 टाइम जोन्स लगभग है बट फ्रांस के पास 12 एंड अंटार्कटिका पे उनका क्लेम ले तो 13. ऐसा करके फ्रांस विल हैव द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स विद इन देयर टेरिटरीज दैट इंक्लूड्स ओवरसीज टेरिटरीज दैट दे हैव. तो इस कारण इट शुड बी बी फ्रांस दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. थैंक यू सर. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी फ्रांस. बी फ्रांस में मिला है शरद बाबू से राय. ताला लगाया जाए. It is the right answer. Well done. Thank you very much. फ्रांस की टेरिटरीज जो है ना वो दुनिया भर में है और सभी के अलग अलग टाइम जोन्स हैं. ओके. कुल मिलाकर फ्रांस के 13 टाइम जोन्स हैं. तो मैंने अच्छा किया. तो आपको लगा कि फ्रांस वहाँ यूरोप में है सही है लेकिन उसकी टेरिटरी कई और जगह पर है. जैसे कि आपने मॉरिशस के ऊपर एक आइलैंड है रयूनियन आइलैंड वो अभी भी फ्रांस की टेरिटरी है तो वहाँ का टाइम जोन अलग हो गया ना. Okay. इसी तरह जहां जहां पर अलग अलग टाइम जोन से उनकी टेरिटरी में वो गिनने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिना गया है कि नहीं. तो मैंने अच्छा किया. हाँ बिल्कुल अच्छा किया आपने ले लिया प्रश्न और उत्तर भी उन्होंने देखिए कितनी खूबसूरती से दिया. ऑलराइट सोनाक्षी जी एक लाइफलाइन अभी भी बची है और आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर. 12,50,000 पॉइंट्स अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. किस पहले भारतीय अमेरिकी ने प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता था. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू विन द प्रेस्टिजियस स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी. ऑप्शन सुनिए. ए साई गुंतुरी, बी अरविंद महानकाली, सी बालू नटराजन, डी गोकुल वेंकटचलम. सर मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है. सर तो मैं लाइफलाइन अपनी आखिरी लाइन लेंगे. और जो बची हुई लाइफलाइन है वो है ज्ञानाश्री. इसको अंकित कर दिया जाए अमृत जी. और सोनाक्षी जैसे कि आप जानते हैं कि इसको बदल के एक नया प्रश्न आएगा लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा. किसी एक को गेस कीजिए. सर ऑप्शन ए साई गुंतुरी. पे ताल लगा जाए. गलत होता ये. सही जवाब है बालू नटराजन. ऑलराइट बालू नटराजन ने 1985 में 1985 में ये खिताब जीता था और तभी से इस प्रतियोगिता में भारतीयों का दबदबा रहा है हमेशा. कुछ साल पहले बालू के बेटे आत्मन ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया था. ओके. ऑलराइट सोनाक्षी अब ये जो है प्रश्न ये बदल जाएगा क्योंकि आपने लिया हुआ है ज्ञानास और आपने जो विषय दिया था वो था जियोग्राफी का. यस सर. तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा करके जियोग्राफी के आधार पर अगला प्रश्न देना होगा जब सोनाक्षी जी वो मंत्र पढ़ेंगी. अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम. पलट दिया जाए प्रश्न. ऑलराइट सोनाक्षी जी अगला प्रश्न आ गया है ये जियोग्राफी के ऊपर है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है. व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ए फ्लैट आइलैंड, बी लिटिल अंडमान, सी नॉर्थ रीफ आइलैंड, डी लैंडफॉल आइलैंड. सर सच कहूं तो मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं. जब आप शुरू में मुस्कुरा रही थी तो मुझे लगा शायद आपको इसका उत्तर मालूम है. ना मालूम हो तो आप 6:40 जीत रही हैं. आप क्विट कर सकती हैं 6:40 में लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं हालांकि आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं. सर आई वुड लाइक टू क्विट. Yes, फाइनल उत्तर आपका. Yes, sir. अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट कर जाएं खेल को. 6,40,000 पॉइंट जीते इन्होंने. तालियां बज जाएं इनके लिए. 6,40,000 पॉइंट जो है ट्रांसफर हो जाएंगे आपके नाम.
आपका नाम आ गया, 509 दबाएंगे, 6, 40, 1, 2, 3, 4, ओके किया, कंफर्म किया और पहुंच गया ये आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट सोनाक्षी, इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर ए, फ्लैट आइलैंड। ए, फ्लैट आइलैंड। फ्लैट आइलैंड पे ताला लगाया जाए? गलत। सही उत्तर है लैंडफॉल आइलैंड। ओके। ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है। जिस तरह इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और इसलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इस चेन का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड लैंडफॉल आइलैंड है। ओके। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो केवल लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर का है और इस क्षेत्र की जो मूल जनजातियां हैं वो उनका घर है ये। ऑलराइट सोनाक्षी, बहुत बहुत बधाई आपको और एक सर्टिफिकेट है आपके नाम जो सबसे पहले हम आपको देंगे जाने से पहले। कैन वी हैव द सर्टिफिकेट प्लीज? थैंक यू। तालियां बज जाएं के लिए। थैंक यू। कम सोनाक्षी, ये सर्टिफिकेट है सोनाक्षी के नाम। वेल डन सोनाक्षी। थैंक यू सर। कम दिस। ऑलराइट। और डरा दिया हमको अब की बार, बहुत जोर से बज गया ये। आज का खेल हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो दिनों सर में सबसे पहले हम विदाई लेंगे हमारे जो एक्सपर्ट हैं शरद विवेक सागर जी से, जोरदार तालियां बज जाएं उनके लिए। और हमेशा जवाब आते हैं, ज्ञान की बातें हमको बताते हैं और सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। अनेक अनेक धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ मेरे परिवार के बड़ों ने कुछ पुण्य किया होगा कि मैं आपके सामने बैठता हूँ। ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। तो वो जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाए। तालियां बजती रहे। हम सर्टिफिकेट आपके लिए है। सर्टिफिकेट। ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।